हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते आप सभी को। आप सब कैसे हैं? और आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। और आज है संडे। ये देखिए, सुबह में सैटरडे को अच्छे से साफ़ सफाई हो गया, ज़्यादा तो नहीं था, बस थोड़ा थोड़ा धूल आ जाता है ना। आजकल रोज़ सफाई करना ही पड़ता है गर्मी में। ठंडी में है कि 2-4 दिन पे ही करो तो सही रहता है, पर ठंडी गर्मी में बहुत धूल आ जाता है। तो थोड़ा बहुत था साइड साइड में धूल, वो सब बोले साफ़ कर देते हैं। और फिर किचन भी साफ़ ही था, ज़्यादा रात में उतना खिचड़ी ही बना था तो नहीं हुआ था गंदा। फिर ये सब साफ़ करके बेडर को साफ़ किए, बेड को साफ़ करके फिर झाड़ू लगाया। ये लोग अभी तक सो ही रहा है, उसी टाइम हम कर रहे हैं। सुबह के कितने हैं, 6:30 7 बज रहे थे। यहाँ पे झाड़ू लगाया, जिस रूम में ये लोग सो रहे थे, तीनों लोग थे, दोनों बच्चे और पापा इसके सो रहे थे, तो उस रूम को छोड़ दिए। बोलते हैं ना, सोते हुए रूम में नहीं लगाते हैं झाड़ू, उस रूम को छोड़ के इधर का सारा काम कर लिए। ये लोग उठे हैं उसके बाद उस रूम में झाड़ू और पोछा लगा दिए लास्ट में। यहाँ देखिए, झाड़ू पोछा लगा लिए। संडे को थोड़ा ज़्यादा काम हो जाता है सुबह को। ये सब काम रोज़ इसके पापा कर देते हैं। सुबह को जाते हैं, ऑफिस जाना होता है तो जल्दी करते ही हैं, सुबह में उठते ही हैं, तो पानी आने के टाइम में सुबह 6 बजे पानी आता है, तो उस टाइम ये कर देते हैं, नहाना ही रहता है। तो संडे को है, सब सोए ही रह जाते हैं, तो मुझे ही करना पड़ता है ये सब। वो पानी से पूरे आंगन को धोना, थोड़ा लेटरिन बाथरूम बेसिन उसिन सबको धोना रहता है। संडे को हम धो देते हैं पूरा 1 सप्ताह, ये थोड़ा बहुत पानी डाल के भी धो देते हैं, चलता है। फिर वो सब करके देखे, नहा के आ गए हैं, क्योंकि बाथरूम वगैरह साफ़ करना होता है तो फिर उसी टाइम तुरंत जल्दी नहा भी लो, बाल धो के नहाना पड़ जाता है। इसीलिए हम रोज़ नहीं बाथरूमर को साफ़ करते हैं। जिस दिन बाल धोना होता है उस दिन कर देते हैं, साफ रहता है। बीच बीच में इसके पापा अपना रोज़ पापा इसके पानी डालते रहते हैं। देखिए, सुबह में हो गया, 8 बज गया, 8 बजा था शायद ये सब करते करते। उसके बाद ये देखिए, दोपहर का है खाना, लंच कढ़ी बना रहे हैं। ये पकौड़ा है, ये खाने के लिए बस पकौड़ा है कि थोड़ा ज़्यादा ब्राउन करके थोड़ा कुरकुरा बना दिए कि अच्छा लगेगा। जो कढ़ी में देना था उसको थोड़ा ज़्यादा नहीं किए हैं, जब थोड़ा करेंगे तो वो नरम रहेगा ना, अच्छे से कढ़ी में घुल जाएगा। सबको ये सबसे ज़्यादा इसको पसंद है, बड़े वाले लड़के को पसंद है कढ़ी खाना। ये देखिए, ये खाने के लिए रख लिए हैं, ये पकौड़ा सारे कढ़ी में डाल दिए हैं। उसके बाद बन गया है खाना, और ये देखिए आ गया, गरम गरम ही है। ये देखिए, इसको रहा भी नहीं जा रहा, खाती जा रही है वहीं पे। फिर ऐसे करके निकाल दिए, गरम था तो पूरा फैला के निकाल दिए कि सब अपना उसी में बैठ के खा लेंगे। ये देखिए है, यहाँ पे ले जा रहा है खाने के लिए। ये देखिए, ये पीडीएम नाम यहाँ ले पर रहा क्या है, कर रही है, ये ये देखिए, यहाँ ये देख अपना रही बस है अभी टीवी। देखने में लगी हुई है। और मैं दिखाता हूँ आपको कि पापा जी क्या कर रहे हैं। ये देखिए, एक मिनट थोड़ा सा लाइट ऑन कर लूं। ये देखिए, पापा जी तो अपना आईपीएल देख रहे हैं, तो उनको अपना देखने देते हैं। और मम्मा देखिए क्या कर रही हैं। मम्मा यहाँ पर खाना बना रही है। देखिए आज क्या क्या है। ये देखिए, पूड़िया बनाई है मम्मा ने, और सुबह कढ़ी बना था तो बहुत सारा बचा रह गया। वो है लौकी की थोड़ी सी, लौकी की सब्जी है, और ये चावल का बिरयानी टाइप बना दिया है मम्मा ने। और गाइज, और ये रात का खाना है, दिन में चावल बचा था उसको फ्राई कर दिए और यहाँ पे पूरी बना दिए, थोड़ा सब्जी बन गया और कढ़ी भी था हो गया। वही वो बोल रहा है क्या क्या और मजाक कर रहा है। यहाँ पे बोल रहे हैं देखो, सारा दूध रखा हुआ है, नहीं पी रहा है। दादा, और जो पापा जी हैं उनको तो हम कह रहे हैं कहीं घुमाने लेके जाओ, घुमाने लेके जाओ, तो वो तो अपना लेके अब जा नहीं रहे हैं। तो अब हाँ, यही पे अब खा पी करके मजे करना पड़ेगा, क्योंकि तो पापा जी तो हैं कहीं लेके जाने नहीं वाले हैं। तो अब यही, अब
अभी हम कहीं जाने का तो प्लान नहीं है, पापा कहीं लेके जाएंगे तो जाएंगे, वरना हम तो अपना घर पे ही बैठे रहेंगे। ठीक है गाइस, अब बाद मुझे जब हम कुछ काम कर दे।